नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोड़ता रहता। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया, उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से सेठानी ने पार्वती जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्तिभाव से माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दें तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुँचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन शराबनी करने लगी। तदंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नवयौवन की भांति हंसमुख फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत की करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। यह कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला तू भी अगले साल श्रावण मास के पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना तो तुझे भी मन पसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर लोगों को सारी घटना मालूम हुई
तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर मंगला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने मंगला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार से विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथेष्ट दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। बोलो माता पार्वती की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।